सैफी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसे जा रहा है आपका रमजान? उम्मीद है कि अच्छा ही जाता होगा। और मैंने कर दिया अपना ब्लॉग स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है, सहरी में इंसान सो जाता है, फिर उठता है लेट, उसके बाद नमाज, उसके बाद कुरान शरीफ। और स्टार्ट तो दिन अभी से होता है, ऊपर से आप चलते हैं हम नीचे और डायरेक्ट जाएंगे किचन में, क्योंकि रमजानों में आधे से ज्यादा टाइम आपका किचन में ही गुजरता है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि 2 से 3 घंटे लास्ट के जो होते हैं ना, वो आराम से कट जाते हैं। ऊपर से मैंने सुना है अभी नीचे आए हैं आरओ वाले। आरओ का मम्मी को टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा था पानी का, तो फिर आरओ वाले आ चुके हैं नीचे और चलते हैं नीचे। मैं छत पर ही थी, अब चलते हैं नीचे। क्या हो रहा है नीचे आपको दिखाते हैं, और इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि मुझे मैंने लेट उठाता हूँ, उसकी मच्छरदानी अभी तक लगी हुई है। चलो नीचे चलते हैं। और मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पर कुछ करा है मेरे उठने से पहले। यमी ने देखो यहाँ पर याद आया कुछ, हर घर में होता होगा मेरे ख्याल से, जबकि इतने कचरी पापड़ मैंने ले रखे हैं, लेकिन नहीं, देसी चीज तो देसी होती है। और धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है, नीचे चलते हैं। साग बनेगा, साग बनेगा और कोफ्ते, कोफ्ते बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे आरओ वाले भैया आ चुके हैं। यहाँ पर आरओ ठीक हो रहा है, पूरा का पूरा खोल रखा है। यही अब तो पानी सही आ रहा है, टंकी का आ रहा है हमारे पानी। अरे नहीं ठीक है भाई, सब लोग नॉर्मली पी रहे हैं, हम तो तभी फिल्टर करके पी रहे हैं पानी। क्या हुआ इसमें, फिल्टर में बिल्कुल खराब हो गया? अम्मी आपको बहुत लग रहा था पानी चेंज, हम तो हमारे तो सही लग रहा था पानी। नहीं पानी सही नहीं है, बता रहा खराब हो गया पानी। अरे हाँ भैया, अब वैसे एक बात तो है, भैया को कभी भी बुलाओ तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आरओ सही निकलेगा, खराब जरूर निकलता है ना। गलती ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आरओ बुलाया जाए और ये कह दें कि हाँ आरओ ठीक है आपका। थोड़ा बहुत काम हो चुका है, टाइम हम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, अभी खाने का कोई इंतजाम नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। 4:30 हो चुका है और अब खाने में अभी कुछ बना नहीं है, आज मुझे लग रहा पक्का लेट होंगे। अब लेट होगा नहीं आज, चलो कोई दिक्कत। यहाँ पर अम्मी कर रही हैं जल्दी जल्दी काम, क्योंकि टाइम देखो कितना हो चुका है। और आरओ वाले भैया इतने मजे में काम कर रहे हैं ना, इतने मजे में काम कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हमारी यहाँ प्यारी बनेगी भी जल्दी बनेगी। थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, आराम मत करो तुम, तुम्हारे बस एक ही काम है आराम करना। सुबह से कर क्या रहे हो तुम आराम के सिवा? सुबह 8 बजे में उठे हुए हैं। 8? अच्छा, और कल बताओ कितने बजे उठे थे तुम? उठे जब इनके बाल देखो कैसे ना। अरे खोल भाई, मुझे मैंने तुझसे कुछ मंगाया था, लेके आया नहीं आया है? क्यों, गाड़ी तो है तो चले जाओ, चलाने तो तेरे को भी आती है, तुम चले जाओ ना। अम्मी वैसे उन्होंने डाला तो कुछ भी नहीं। कितने देती है? और पैसे देखो उन्होंने कितने विकट मांगे, कितने कितने गए ले, कितने गए क्या पता, मुझे अम्मी से पूछेंगे कितने, मतलब कुछ नहीं किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। 700 रुपए है, 700 से ऊपर बताया। बताइए मुझे मिल क्या बताया इन्होंने, कितने रुपए ले लिए? 500। और कुछ भी करा नहीं, बंदे ने सिर्फ टाइम पास किया है, आके खड़े रहे, सिर्फ खड़े रहे हैं और टाइम पास किया है, केवल फिल्टर डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा बंदे ने। भाई हमें तो पानी सही लग रहा था, मुझे तो पानी का टेस्ट बिल्कुल सही लग रहा था। नहीं यार, खैर मैंने मिला ऐसा कर, अब तू थोड़ा सा हमारा ब्लॉग शूट कर दे, हम खाना बना लेते हैं। बिल्कुल साफ है अम्मी, सब कुछ सही था। गंदे फिल्टर, फिल्टर तो बदल जाते हैं ना इसे टाइम से।
मुजम्मिल क्या 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 ला दूँ? तो ये कोफ्ते हो गए हैं तैयार यहाँ पर बनकर और तैयार कर रखा है सामान, फटाफट से कोफ्ते बन जाएंगे। साग साग बन रहा है, हाँ साग बनने वाला है। वैसे उम्मीद नहीं है खाना तैयार हो पाएगा, लेकिन फिर भी पूरी पूरी उम्मीद है कि खाना तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी है 1 घंटा लगभग लगभग। अब क्या, ये चीज़ तैयार है, मैं फटाफट शूट कर लेती हूँ बस। मौसम देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो रहा है और सूरज बिल्कुल डूब चुका है, अजान का टाइम होने वाला है। मैं हूँ छत पर मुजम्मिल को उठाने के लिए और मुजम्मिल की तबीयत सही नहीं है और फिर भी उसे उठा लेते हैं, उसका रमज़ान है। चलो देखते हैं क्या कर रहा है, चलो उठो। अफ्तियारी के बाद चलेंगे अपने लोग डॉक्टर के पास, क्यों देख रहा है कितने दिन हो गए थे तभी सही नहीं है, चल आ जा फटाफट, आ जा 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 आ जा। चलो आंटी फटाफट बिछाते हैं दस्तरखान, चलो पकौड़ी बनाएंगे बाद में ठीक है। बाकी पकौड़ी का सामान तो बिल्कुल रेडी है मेरा, ये देख सकते हैं आप और ये देख सकते हैं आप, लेकिन क्या कर सकते हैं टाइम की थोड़ी सी कमी है। चलो भैया उतार लेती हूँ। लीजिए यहाँ पर अजान भी हो गई है, अब हम सब लोग कर रहे हैं अफ्तियारी और यहाँ पर अम्मी को देख सकते हैं, अम्मी अफ्तियारी भी कर रही हैं, साथ साथ जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो भी कर रही हैं, क्योंकि अम्मी अभी पकौड़ी भी साथ साथ बना रही हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उसमें मैंने 2 क्लिप ऐड की हैं, आपको पता लगेगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं। मैं ऐसे ब्लॉगिंग करना सीख रही हूँ, तेरे मुंह तो कट रहा है यार पूरा का पूरा, पकड़ना नहीं आता है तो यार, और इतना पूरा क्यों पकड़ती है फोन को, कैसे पकड़ती है, नॉर्मल पकड़ा कर ना, ऐसे करके पकड़ लिया कर, ऐसे पकड़ेगी ऐसे पागल, ऐसे नॉर्मल ऐसे करके पकड़ लिया कर, ऐसे करके देखो तो साफ आएंगे वहां पर, हम लगा नहीं रहे, देखिए कितना साफ आ रहा है, गुस्सा से लगती रहती है।